हाय दोस्तों, मैं सीए नकुल कठेरिया, अनअकैडमी का टॉप अकाउंट्स एजुकेटर फॉर फाउंडेशन इंटरमीडिएट। आज दिसंबर 23 एग्जाम्स सीए फाउंडेशन के ओवर हो रहे हैं, तो हम बहुत सारे लोगों से उनके ओपिनियंस जानेंगे कि एग्जाम कैसे रहे और आगे का प्लान क्या है। तो स्टे ट्यून्ड। तो हमारे साथ में कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। तो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा सर? बच्चे के साथ पेरेंट्स के भी एग्जाम होते हैं, चलते हैं सारे साथ में। ओके सर। तो कैसी जर्नी रही पिछले 6 महीने की आपकी? सर, मैं दिक्कत नहीं, बच्चा अगर मेहनती है, ईमानदार है, अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति, कोई दिक्कत नहीं बच्चे को। मैम, आपसे भी बच्चों ने पेपर दिया है? दिया नहीं, दिया। बहुत बढ़िया। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, सीए का एक्सपीरियंस तो बच्चों ने अब मेहनत की है तो बच्चे केयर होने चाहिए। तो आपके ऊपर क्या प्रेशर था कि जब आप बच्चा तैयारी कर रहा था तो क्या आपको भी लग रहा था कि हमारी साथ साथ में हमारी भी तैयारी हो रही है थोड़ी सी? हाँ, बिल्कुल हो रही है, अभी बच्चों के साथ होती है। एक्चुअल लॉ वगैरह मैंने खुद से भी, अपनी तरफ से भी हमने करवाया उनको, जो हमने किया हुआ। कैसा हुआ आपके एग्जाम भाई? बढ़िया था। और पूरे चारों एग्जाम का क्या पैटर्न रहा आपको? कैसा मजा आया नहीं आया? तो मैं मुश्किल लगा भाई, लॉ का दिक्कत, लॉ में थोड़ी दिक्कत। इसके अलावा मैथ में टाइम कम बचा था, अकाउंट्स में, इको में, अकाउंट्स और इको यूजुअली स्कोरिंग हो, ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस, एकदम एकदम बेस्ट। पहला पेपर अकाउंट्स कैसा था? थोड़ा सिक्स था, एवरेज से ज्यादा था। अच्छा, और फिर लॉ? लॉ तो मेरा है, लॉ आप ही का एवरेज है। अकाउंट और इसके बाद इकोनॉमिक्स और मैथ्स? मैथ बेस्ट है। और इकोनॉमिक्स? बाकी सारे मार्क्स इसमें आएंगे। बहुत ज्यादा तैयारी करके जाता था तो 400 में 450 ले आएगा। अब क्या प्लान है आपका आगे? रिजल्ट का वेट या इंटर की तैयारी? वेरी गुड।